अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताईनुहु व नस्तगफिरुहु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा एहसान है कि जिस रब ने सानू सारियां नू मुसलमान बनाया। अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा एहसान है कि जिस रब ने कुरान हदीस समात करने वास्ते अपने प्यारे सोहने नवे घर दे अंदर जमा होमन दी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा एहसान है कि जिस रब ने इमाम आज़म, क़ैद आज़म, ख़तीब आज़म, मुर्शद आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। प्यारे भाइयो, आया तो मैं अल्लाह पाक दे हुक्म नाला, क्योंकि अल्लाह दे हुक्म तो बगैर दरख्त दा पत्ता भी ज़मीन ते नहीं गिरदा। मैं लंबा सबर करके वक़्त नाल आपे नहीं आया, मैनू रब ने चाहया ते मैं तां आया। लेकिन मुलाकात दा सबब कौन है? मेरा प्यारा भाई, बहुत ही अच्छा भाई, मुखलिस दोस्त, हज़रत मौलाना कारी शौकत साहब मुहम्मदी, जिन्होंने वादा लिया और फिर बार बार राबते च रहे, और आज मैनू अल्लाह पाक ने थोड़ी ज़ियारत करने का मौका अता फरमाया, तो मौका भी अता फरमाया सोहने सोहने रब दे घर दे अंदर। दूसरे मेरे भाई दानिश साहब, दानिश रशीद साहब, बंदा तो है पुड़ा साड़ा, लेकिन बंदा प्यार वाला भी है। हर महकमे दे अंदर, कोई महकमा बिल्कुल बुरा नहीं रखना चाहिए, हर महकमे अच्छे भी बुरे भी, और हर जमात अच्छे भी बुरे भी, और हर पार्टी के अंदर अच्छे भी बुरे भी, और हर कौम के अंदर। इंदा यह नहीं माना भी अराई सारे ही अच्छे होंगे, शरीफ तो बड़े होंगे, लेकिन कुछ शरीफ नहीं भी होंगे। ये भी ना समझा करो कि बलोच सारे शायद डाकू होंगे, कोई बलोच कुरान के कारी भी होंगे। हर दे विच कोई अच्छा है, कोई बुरा है। प्यारे भाइयों, जेड़ा अच्छा रहेगा वो जन्नत पा जाएगा, जेड़ा बुरा रहेगा, मक्के च रह के भी कोई बुरा रवे तो जाएगा जहन्नम नूं ही। ये ना समझा करो कि इस बंदे ने मक्के च वफात पाई है। अगर सारे मक्के आड़े जन्नत जाने ना, तो मक्के दे अंदर ही फौत होया ना अबू जाल, हाजियां नूं पानी पिलांदा सी, तुसी कहोगे उते काफिर सी, ते अब्दुल्ला बिन उबई कित्थे जाएगा, वो तो मुसलमान सी। एडी लम्मी धुनी जड़ी दाढ़ी आई, मत्थे ते वड्डा मिराब सी, नमाजी बड़ा सी। या नबी तकरीर करनी सब तो पहले उठ के आखना आला ना मुहम्मद, अजमा ना मुहम्मद, रफीक ना मुहम्मद, शफीक ना मुहम्मद, और सब तो आला तो उच्चा मुहम्मद जे। तो जो जाना अबू जाल कोल तो कहना मैं तो उन्होंने एवं वर्ग लांदा ही फिर। अच्छा कौन है? अच्छा वो है जेड़ा कुरान ते हदीस ते चलेगा, तो जिंदगी गुजारे नबी पाक कोलों पुछ पुछ के। हुण तुसी आखोगे अज मेरे कोल मेरा रसूल कोई नहीं, तो मैं किवें पुछांगा? रसूल कोई नहीं, इहो तो खूबी है मेरे नबी दी। आदम आया, शरीयत मिली, वह भी चली गई, आदम भी चले गए, शरीयत भी चली गई। नूह नबी आए, नूह नबी भी चले गए, शरीयत भी चली गई। मूसा नबी आए, ओ दुनिया तो गए, शरीयत भी गई। इब्राहिम नबी आए, जदों फौत होए, शरीयत भी गई। सहीफे गए, उन्होंने कानून गए। अल्लाह अकबर, मेरे सोड़े नबी दुनिया ते आए, जदों चले गए, शरीयत नहीं गई, शरीयत क़यामत तक है, नबूवत भी क़यामत तक है। मेरे नबी ने इशारा करके नहीं किया सी, हिज्जतुल विदा के मौके से ओ लोगों सुन लो, दो चीज़ों नू मजबूती नाल पकड़ी रखिया है। लन तज़िल्लू, कदी गुमराह नहीं होवोगे। एक भूल गए हो, अगर ये बात याद है फिर पूछो नबी पाक कोलू, मैं नमाज़ा किवें पढ़नी है? आए हदीस लिखी खड़ी है, पूछो अल्लाह दे नबी कोलू मेरी शादी किवें दी होवे? पूछो नबी पाक कोलू गमी कैसी? पूछो नबी पाक कोलू रात कैसी? पूछो नबी पाक कोलू सोने तुहाडे दिन कैसे? खुशियां कैसियां, गमियां कैसियां, शादियां कैसियां, लेन देन कैसा, अमानत कैसी? प्यारे भाइयों, किरदार कैसा, अखलाक कैसा, लेन देन कैसा, वर्ताव कैसा, और गवांढियां नाल मुहम्मद दा सलूक कैसा, बिरादरी नाल कैसे, सिला रहमी कैसी, वालिदैन नाल कैसे, प्यार कैसा, अखलाक कैसा, किरदार कैसा, अकीदा तौहीद कैसा, दावत दीन कैसी। इन्हों कहन लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। हर शायद कोल है तुहाडे ना टुरो सही तरह पे मार ता तुसी खुद ही खावण दा इरादा रख लिया। मैनू शौकत साहब ने ना अजीबो गरीब मौजू दिता, चाहते है तफसील, एडी तफसील है कि यह एक जुमे च पूरा नहीं होना। ये सारा गुनाह थोड़े मौलवी का, उन्हें एडी लम्बी आयत चलती है, बज़ाहिर आयत छोड़ती है लेकिन उनवानात बहुत है। प्यारे भाइयों, थोड़ा जा पढ़ लविए कुरान। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। ओ लोगो, जिंदगी ओमे गुजारो जिमें मेरा पाक नबी गुजार गए ने। सोने नबी पाक ने जो अमल किते आन, जिमें रातां गुजारियां, जिमें दिन गुजारे, जिमें अफसोस गुजारे, जिमें खुशियां गुजारियां, जो प्यारे नबी कर दे गए। हर बात नोट भी हुई है क़यामत तक। ओहो प्यारे भाइयों, मौजूद रहेगी। फरमाया ओमे ओमे गुजारो जिमें जिंदगी जिमें मेरा पाक महबूब मेरा हबीबुल्ला गुजार गया है। और मेरे दोस्तों भाइयों, तवज्जो करया है। तुसी आज आखोगे ये भी शैतान खबीस साढ़े मुँह चो गल करवा देंदा है, असी ओवें किवें बनांगे जिवें अल्लाह दे नबी आन, ओवें तो बंदा बन सकदा ही नहीं। किवें बनांगे? प्यारे नबी दे बहुत बड़े आमिल आन। अल्लाह अकबर। सोने अपनी मर्जी नहीं करनी, दीन की गल भी करनी है, उनके अंदर भी नबी नो पुछ पुछ के जिंदगी गुजारोगे। तराए सहाबा सन, तराए सहाबा, उन्होंने आन के अल्लाह दे सोने नबी नो पुछ लिया। एक कहने लगा, सोने नबी पाक कितनी इबादत करते आन? अम्मी ऐशा। कौन ऐशा? सिद्दीक दी बेटी ऐशा। कौन ऐशा? प्यारे नबी दी प्यारी बीवी ऐशा। कौन ऐशा? हुमैरा ऐशा। कौन ऐशा? तैयबा आयशा कौन ऐशा, जाकिया आयशा कौन ऐशा। 2,500 हदीस दी हाफिज ऐशा। थोड़ा जा स्पीकर होर खुल जाता ना तो अल्लाह इन्हों मदीने ले जाता। दुआ मेहमाना की कबूल हो जाती। ले लो दुआ जल्दी जल्दी, जो सुता पिया तो फिर तो नहीं चलना। प्यारे दोस्तों जरा गौर करे, एवें दबिया दबिया स्पीकर इन्हों खोलो, साउंड आज नहीं चलना तो क़यामत का साउंड लभना ही नहीं। उत्ते पता नहीं की बन जाना मंजर। जदों सोने नबी पाक के बारे पूछया, ऐ अम्मा जान प्यारे नबी किवें रात गुजारते आन, फरमाया इतना लम्मा क़याम करते आन पैर सुज जाते आन, पैर बर्फ सुज के फिर फट जाते आन। अम्मा जान फरमान लगियां, मैं एक दिन पूछ लिया ऐ सोने नबी जी तुसी, फिर दब गई आवाज, फिर दब गई। छण छण क्यों नहीं कर दी, खुलदी क्यों नहीं साउंडा ना? तो फिर कौन चलो ना तेज करो भाई, मदीने भी नहीं जाना। इनू तेज कर ते भावे ना कर, तू मदीने नहीं जाना। तवज्जो करिया तवज्जो। ओ मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर करिया है, जदों तिन्ना सहाबा ने यह गल सुन लई कि अल्लाह दे नबी इतनी बड़ी इबादत करते हैं ते नबी दा शान के जन्नत दे दरवाजे प्यारे नबी दे इशारे दे खुलने, ते आप फिर भी इतनी इबादत करते ने। साडा भी हक बनता है असी भी इबादत बहुत करिए। एक कहने लगा मैं सारी रात नफल पढ़ागा, मैं सवागा नहीं। एक कहने लगा मैं शादी नहीं करवानी, बस मैं इबादत करनी है। तीसरा कहने लगा मैं नफली रोजे रखागा, सारी उम्र मैं नफली रोजा छड्डागा नहीं। हालांकि रोजे अल्लाह नू भी पसंद ने ते पाक नबी नू भी पसंद, लेकिन सुनियो गौर कर लो इबादत ओ कबूल होएगी जेड़ी इबादत पाक नबी ने जिस यानी अमल ते मोहर लाई होएगी ओ कबूल होएगी। प्यारे नबी नू खबर मिली, मेरे नबी नूं तो खुशियां चढ़ जानियां चाहिदियां सन कि जिवें मैं इबादत करदा मेरे जमाती मैं तू ज्यादा करन लग पे ने। पर प्यारे सुन लो कुरान पता की कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाह व रसूलिही। फरमाया प्यारे हो ओ मोमनो, थानू रब दरस दे रहा है इतनी भी नेकी नहीं करनी। तुसी आखो कि मैं नबी तू अगे वधना चाहना, ना अगे वधोगे ना नबी तू पिछे हटोगे। जिमें जिमें मेरे नबी करते गए उमें उमें करोगे, फिर जन्नत फिरदौस में जाओगे। हर शय इबादत बना दी जाएगी तो एक एक लम्हा थोड़ी नेकी के अंदर लिखिया जाएगा। जिमें पाक नबी ने जिंदगी गुजारी है इवें गुजार लो। जदों रब दे सामने क़यामत नू पेश होवोगे ना हिसाब होएगा ना किताब होएगा। प्यारे दोस्तों जरा गौर करे आए, मेरे सोने नबी पाक ने अजाना सुनिया सन के नहीं, नमाजा पढ़िया सन के नहीं। आओ जरा एक झलकी दे देवा, मेरा नबी तेरे मेरे वास्ते नमूना हैन के नहीं। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला ना फरमादियां ने साडे नाल अल्लाह दे सोने नबी बेहतरीन मिठिया मिठिया सोनिया सोनिया प्यारिया प्यारिया गल्लां कर रहे होंदे आन। या अजान शुरू हुई है, अल्लाहु अकबर। फौरन मेरे नबी इंतजार नहीं करते आन, फौरन उठ जाते आन, तैयारी करते आन, वुज़ू बनाने लग जाते आन, नमाज की तैयारी मसरूफ हो जाते आन। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने इंज लगदा जिवें साडे वाकिफ ही कोई नहीं। कदी मैं भी अजान सुनी है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुल हसना। थोड़ी जो केड़ा बंदा है, भावें बहुत पक्के नमाजी हो, भावें बहुत बड़े हाजी हो, भावें बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार हो, भावें बहुत बड़े कारी हो, ये ऐसी सुन्नत है जेड़ी मुर्दा हो गई है। ओ केड़ा बंदा है, या अजान स्पीकर चले आए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फौरन शटर डाउन, फौरन कारखाना बंद, फौरन फैक्ट्री बंद, फौरन शादी खत्म, बात खत्म, गुफ्तगू खत्म, मीटिंग खत्म, जलसा खत्म, दावत खत्म, बोल खत्म, चाल खत्म, लेन देन खत्म, हर शे खत्म। फौरन वुजू करे, अजान भी सुनता रहे, उनका जवाब भी देता रहे, तो फौरन नमाज की तैयारी करे। ये मेरा नबी है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुल हसना। नबी नू अगर नमूना बनाते हो फिर इंज दे बन जाओ। वहाबियो सुनियो, केड़ा आदमी भी कर रहा है। पहली तो गल है कि अजान सुनते ही नहीं। जे टीवी चल रहा है तो चल रहा है, जे गाना चल रहा है चल रहा है, जे स्टोर चल रहा है जरनल स्टोर तो चल रहा है, सौदे दिती जा रहे हैं। हाय उंज किवें बनना है। साढ़े कोड़ा था ओ एक अल्लाह दा वली सी अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, ओ कहन लगे अपने मजदूरां नू कमांद ला रहा। ओ पहले अद्धा घंटा चले जाते आना आसान तू जाके संजा करना, मिसवा करना, फिर अजान सुननी, फिर नफल पढ़ने, फिर दुआ मंगनी, क्योंकि इस वक्त अजान द तकबीर के दरम्यान जेड़ा टाइम है, इस टाइम दुआ करोगे और रद्द नहीं होएगी। दो ही तो ऐसे वक़्त ने अल्लाह दे जदों लोग एहराम बन के मैदान अरफात चौंदल, उस वेले मैं सारे पर्दे हटा के अपने बंदियां ते जाती मार के उन्हां दियां दुआवां नू कबूल करना। जदों वुज़ू बना के नफल पढ़ के मेरे घर च बैठे नमाज की तैयारी के अंदर के फरज शुरू होणगे, असी जमात नाल नमाज पढ़ांगे। ओ जड़ा तकबीर तक टाइम है, दुआ बंदा करदा है, अल्लाह दा मैं सारे पर्दे हटा के जाती मारना ते बंदियां दी दुआ कबूल करना वे टाइम ऐसे बर्बाद कर लेनी। लोगों प्यारे दोस्तों या तो इस आयत का मैनू कहना नहीं आओ तो आज मैं समझाना चाहना। मेरे नबी फौरन अजान भी सुन दे जवाब भी दें दे बाद दरूद पढ़ दे फिर वो दुआ पढ़ दे। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा दुआ पढ़ेगा अजान दी दरूद पढ़ेगा फिर दुआ पढ़ेगा दो फायदे होंगे। एक फायदा यह होएगा गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बे उनके सारे गुनाह अल्लाह मिटाएगा। उसवा हसना ते चलोगे तेरे गुनाह ही सारे मिट जाएंगे। अल्लाह दे नबी अजान तो बाद दो तीन काम कर दे पहला काम फौरन उठ जाते तुसी भी फौरन उठ जाया करो नाले तैयारी कर दे नमाज दी नाले अजान सुन दे जवाब देंदे फिर दरूद पढ़ दे फिर दुआ पढ़ दे। प्यारे नबी ने फरमाया गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बे उनके सारे गुनाह अल्लाह मिटा छोड़ेगा। कितना फायदा हो गया उस वजह से जिंदगी गुजारो ते इंज गुजारो। इयो आयत दे बारे आज मैनू कारी शौकत साहब ने आख इयो बार बार मैं तां पढ़दा। प्यारे दोस्तों दूआ फायदा की होएगा क़यामत दा दिन होएगा जिन्हां ने अज़ान सुनी है जवाब दिता है दुआ पढ़ी है और मेरा नबी क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने वकील होएगा। अल्लाह क़यामत दा जज होएगा। मेरा मुहम्मद वकील होएगा और तेरी सिफारिश करेगा तेनू रब जन्नत अता करेगा। होया फायदा के नहीं उस वक्त चलोगे तो फायदा ही फायदा। और मेरे सोने नबी की कम करते आन प्यारे हो या अजान हुई है घर के अंदर नफल पढ़ते आन घर च नफल पढ़ोगे कुरान पढ़ोगे तेरे घर चो मुसीबत निकलन गिया परेशानियां निकलन गिया दुख निकलेगा तंगदस्ती निकल जाएगी लड़ाई निकल जाएगी गम निकल जाएंगे। और प्यारे हो पता गम क्यों होंदन लड़ाइयाँ क्यों बढ़िया हुई दुख क्यों आ रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा घर के अंदर ना कुरान पढ़े ना नफल पढ़े ओ घर ते कब्रस्तान है। ओ घर नू कब्रस्तान ना बनाओ घर नू गारी रहण दिओ। कब्रां दे अंदर कुरान भी पढ़ना ठीक नहीं कब्रां दे अंदर नमाज पढ़ना भी ठीक नहीं ते जिन्हां दे घरां नू कब्रस्तान मेरे नबी ने क्या होवे ओए ओ घर केडा मनूस है। इस वास्ते अपने घरां दे अंदर कुरान भी पढ़िया कर घरां दे अंदर सूरत बकरा भी ला लो सूरत बकरा पढ़ी करो। प्यारे हो जेड़ा बंदा सूरत बकरा घर दे अंदर पढ़दा है इनू बरकत भी आएगी इनू खुशी भी आएगी इनकी परेशानी भी जाएगी इनके घर जिन्न नहीं रहणगे इनके घर शैतानी हमले नहीं होणगे इनके घर बरकत वसेगी इनके घर रहमत वसेगी इनके घरों हर बुरी चीज निकल जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्तों आए काम कर लो ये काम मेरे नबी ने किते ने जेड़ा मेरे नबी ने काम किया है वह उसवा हसना बने कि नहीं। अगर नबी पाक की जिंदगी नाल चलना चाहते हो फिर अपने घर का माहौल वह बना लो जेड़ा मेरे नबी ने सहाबा का माहौल बनाया सी। कैसा माहौल है कि 1.25 लाख सहाबी है कितना 1.25 लाख ये भी गल बड़ी मैं थानू ना अजीबो गरीब सुना, अजीबो गरीब बात, मैं हैरान आ एडे नबी दे शागिर्द उच्चे आन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ दा सलाम फिर गया है। एक सहाबी ने फिर नमाज पढ़नी दी है, जदों तू अल्लाह दे नबी ने ते सहाबा ने नमाज शुरू की है। एक सहाबी ने सुबह की नमाज तो बाद या नबी ने सलाम फेरे है, उन्हें उठ के फिर नमाज शुरू कर दी है। जदों फारिग होया है प्यारे नबी ने पूछा, ओ मेरे जिगरी, ओ मेरे यार बेलिया, नमाज तो बाद की पढ़ रहे हो? ताज्जब नाल मेरे नबी ने पूछा, ओ जमात हो गई है हुण की पढ़िया? कहने लगा मैं आया उस वेले जमात खड़ी हो गई है, फिर मैं सुनता नहीं पढ़िया, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया ओ जिन्हों उसवा बनाना चाहते हो, नबी पाक ने फरमाया जदों जमात खड़ी हो जाए जड़ियां सुनता या नफल इनू तोड़ दो, तेनू दो रसवा मिलेगा। एक तो सुनता नीतियां ने वो नीयत का सवाब तेनू मिल जाएगा, जड़ी तोड़ियां ने यह इताअत की है तुसी पाक नबी दी, थोनू दोहरा सवाब मिलेगा। फायदा की होएगा? जदों दोहरे दोहरे सवाब पाओगे फिर अल्लाह डबल जनता ता करेगा। और मेरे दोस्तों फरमाया सोने फिर मैं नमाज नाल शामिल हो गया, जमात हो गई है, मेरिया सुनता रह गई, मैं वह पढ़ियन सवा लाख सहाबी है। जदों तो नमाज शुरू हुई सिर्फ एक सहाबी दी एक नमाज दिया सुनता रही, ना तहजता रही, ना नमाजा रही, ना कैसे प्यारे सहाबा सन। जन्नत वारिस ठहरे, उन्होंने वही काम करना जो नबी ने किया। नबी दी सारी उम्र सुनता रहिया नहीं, सहाबा दी सारी उम्र सुनता रहिया नहीं, जड़ा पहले सुनता पड़ता है। फरमाया दुनिया व माफिया जो कुछ कायनात विच है हर शय इतनी मकाम वाली नहीं जितनी शान वाली ओ दो सुनता है। सुभान अल्लाह, सोने दे पहाड़ तेरे मुकद्दर च हो जाना वो भी एडा फायदा नहीं जिन्नी तो सुनता का फायदा। आप ही या वजह सी सफारे च भी इन्हें सुनता छोड़िया नहीं, लेकिन शान बनना सी नमाज खड़ी होने तो पहले। आइंदा ना जो सुवासना, उन्होंने नबी नू हर बात नमूना बनाया है। उस तो बाद उस सहाबी दियां भी सुनता सारी उम्र नहीं रही, शायद ओदियां इस वास्ते रानियां मन के सानू दीन का पता लगना होवे। आपने फिर चुप हो गए, क्यों चुप हो गए? हाँ, जे थोड़ा बंदा कोई कहे ना कि सुनता नाल नाल पढ़ लो, नाल नाल कई नाल नाल पढ़ा देंगे। नमाज फर्ज खड़ी हो जाए तो नाल नाल सुनता नहीं पढ़नियां। आपां तां नीत लैंदे ना दोबारा नवें सिर नहीं, नीतियां होइयां नबी पाक ने तोड़ दिओ, क्योंकि फर्ज अहम है हूँ नफल अहम नहीं। ये असी अलग पढ़ लेना, नीत लें जल्दी जल्दी काड़ा ना असी आम और सीधे तो सीधा कनेक्ट, तो वह गलत है। क्योंकि एक सहाबी ने तेज़ नमाज पढ़ी, वो खल्लाद बिन राफे नबी पाक दे कोलों फिर आन के सलाम लेंदा। आपने फरमाया तू तो पढ़ी नहीं, अर्जे फसले फइन्ना कलम तुसल्ले, तू तो पढ़ी नहीं। वो फिर पढ़न लग पिया, आपने फिर क्या तू तो पढ़ी नहीं, हालांकि इंज कहना चाहिए सी कि पढ़ता तो है पर तेरी हुई नहीं। आपने फरमाया तू पढ़ी नहीं, और तू पढ़ी नहीं, तू पढ़ी नहीं, अर्जे फसले फइन्ना कलम तुसल्ले, जा लौट। वो हाथ बन के खड़ा हो गया, सोनिया किवें पढ़नी है? फरमाया इंजन पढ़नी है, रकू टेक के कर, सजदा टेक के कर, तशाहुद बेहतर बह के जलसा इस्तराहत करके इस तरह खड़े हो, यकदम खड़े होना ये ठीक नहीं। रकू सजदा जल्दी करना ये ठीक नहीं। एक हदीस में पढ़ के ना तो मेरे तो पैरों ज़मीन निकल गई। फरमाया 60 साल का नमाजी होवे 60 साल एक रकत एक उनकी मिस नहीं हुई हुई। 60 साल दिया नमाजा ने अगर उन्हें रकू सही नहीं किया और सारिया जाया। 60 साल तो पढ़ी नहीं भी है। प्यारे दोस्तों तवज्जो चाहिए। सोने नबी पाक घर नफल पढ़ते आन फिर मस्जिद जा जाते आन नमाज पढ़ाते आन। प्यारे नबी ने फरमाया ओ लोगो अजान सुनो जवाब दो वुजू बनाओ घरू। जड़ा घरू वुजू बना के आएगा पैदल चल के आएगा जमात ना शामिल हो जाएगा उन्होंने सवाब पता कितना है तो जो करे आए एक तो फायदा हो जाएगा उन्होंने जमात मिल गई है दूसरा फायदा हो जाएगा। लोगो अल्लाह पाक आंदा है 27 नमाज़ां दा सवाब लिखो पढ़ी हिक है लिखिया 27 गई। अगर यह नमाज मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ लो पढ़ी हिक है लिखिया 27,000 गई ने। यह नमाज बैतुल्लाह च पढ़ लो पढ़ी हिक है लिखिया 27 लाख गई ने। क्या आसमत है और नमाज़ा की तादाद भी बढ़ गई। क्यों जिमें जिमें मेरे नबी ने नमाज अजान तो बाद किया उवें उवें तुसी किया। जदों नबी के तरीके से चल जाओगे नबी की जिंदगी नमूना बना लोगे जिमें जिमें मेरा नबी करता गया उवें उवें करन लग जाओगे। फिर नेकी थोड़ी होएगी सवाब डबल त्रबल बढ़ता जाएगा। प्यारे हो एक होर सवाब भी है जेड़ा बंदा घरों वुजू करके आएगा पैदल चल के आएगा जमात ना मिल जाएगा उन्होंने अल्लाह पाक फरमांदन ओ मेरे फरिश्ते हो नमाज़ा 27 लिखो ते बैतुल्लाह दा मकबूल हज भी लिखो। जदों तुसी उस रसूल ते चलोगे नबी नू नमूना बना के चलोगे फिर इतने ज्यादा इनाम पाओगे। हज लिखा जाता है जेड़ा 5 नमाज़ां एवें पढ़ लवे। क्यों जी ओनू किन्ने हज बनन गए उनके 5 हज बनन गए और जिंदगी सारी इंज गुजारोगे। जदों रब दे सामने आओगे मुसनद अहमद हदीस है होर की फायदा होएगा जेड़ा क़यामत नू फायदा होएगा। फरमाया अल्लाह कहेगा जा 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 जन्नत नू तेरा हिसाब नहीं लेना तू नमाज़ा पढ़ के मस्जिद के अंदर जमात पढ़ के जदों तू फात होया है तेरे इस तरह मरे है तेरे जिम्मे गुनाह कोई नहीं। जिमें बच्चा पैदा होवे तो मर जाए और एक दिन का बच्चा जिमें पैदा होवे फौत हो जाए और बेगुनाह है। इहो रंगिया नमाज़ा पढ़ने वाला बंदा बेगुनाह होके फौत हो जाए। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों एक और भी मेरे नबी कम कर दे आन ओ की है सब तू वड्डे मेरे नबी सखी यार लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। आम दिना दे अंदर भी मेरा नबी सखी है ते रमजान दे दिना दे अंदर इस तरह सखी आन इन्नी सखावत करते आन इन्ना खर्च करते आन। फरमाया तेज हवा मेरे नबी दी सखावत का मुकाबला नहीं कर सकती आई। एडा वड्डा सखी भी दुनिया ते कोई नहीं आया। असी जेडा वड्डा नबी सखी है असी ओडे वड्डे शूम है। निराज ना हो गया तुसी आखोगे असी शूम किवें आए, कंजरी आ जाए बड़े सखी आए, गुनाह दा कम आ जाए बड़े सखी आए। ओ अल्लाह दे बंदे हो, खुसरिया दा नाचबा हो जाए बड़े सखी आए, किदे मुकाबला बिरादरी दा पै जाए, फजूल खर्ची आ जाए बड़े सखी आए, मसीह दा मामला आ जाए बड़े शूम आए, बच्ची यतीम दा मामला आ जाए बड़े शूम आए, गरीब दी तावन दा मामला आ जाए बड़े शूम आए, मदरसे नू ज़कात दी जरूरत पै जाए बड़े शूम आए। अल्लाह अल्लाह। और मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, दीन दे कम्मा दे अंदर मेरे नबी तो वड्डा सखी कोई नहीं, ते गुनाह दे कम्मा दे अंदर मेरे सियाबा तो मेरे नबी बहुत बहुत की 0/0 आज तक गुनाह दा तावन किता नहीं। असी गुनाह दा तावन फुल करने आए, नेकी दा तावन 0 करने आए। ये फर्क है सियाबा दा ते नबी दा ते साडा। प्यारे दोस्तों, मेरे नबी दे कोल एक यहूदी आया। आज ऐलान हो गया ना, मसीह ते ऐलान हो जाए मस्जिद नु लोड है ते असी पहले पुछने आ दिल तेरा की इरादा है। दिल आंदा ना देवी, शैतान दिल दे उत्ते कब्जा कीती खड़ा है। वो आंदा तेरे कोल है 5000, तू दे छड़िया ना 1000, बाकी 4000 सिर्फ रह जाना ते महंगाई दा दौर है, फिर की बनेगा तेरा। तो वो नबी जड़ा उस वासना ते रसूल आयत आंदी है ना, वो भुल जाने। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ये गल्ला सोचते नहीं आन, ते मेरे अली भी सोचते नहीं आन। एक यहूदी आया, वो आन के आंदा है ऐ सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंगता भी है ते शर्तिया मंगता है, शर्तिया। आंदा के ऐ मुहम्मद सस, और नबी भी नहीं आंदा, क्योंकि नबी यहूदी आंदा असी तेनों किवें आखिए तू नबी है ही नहीं। कहंदे ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु, मैं यहूदिया मैनू दिओ या ना दिओ, मैं मुसलमान भी होना कोई नहीं, लेकिन ऐ मुहम्मद सुन लो मैं गरीब आ, भावे मैं यहूदी आ, मेरा अल्लाह जानदा है। छोटे छोटे मेरे बच्चे, मेरे को पैसे कोई नहीं, दौलत कोई नहीं, मैं अपने बच्चे वास्ते दुद्ध दा इंतजाम करना चाहना। अल्लाह दे नां ते ऐ मुहम्मद, अल्लाह दे नां ते, अल्लाह दे नाम ते एक बकरी दे दे, देवे या ना देवे, मैं रब दा ना दे छड़े, देवे या ना देवे, मैं मुसलमान भी होना कोई नहीं। इयो ही मेरा पैगाम है, इयो ही मेरा ऐलान है। मेरे नबी ने फौरन सहाबा नू कहा, दो पहाड़ों के दरम्यान के अंदर बकरियों का रेवाड़ा है, जिंदे च 1000 बकरी है, सारिया ही दे दियो। आए जे नबी बनोगे नमूने, सारिया दे दियो, दे भी किन्नू दियो यहूदी नू। पहले तो ना मजाक समझिया भाई नबी है, और जिमें कोई बंदा किसी ने आखे ना यार मैंने 2 मरले दे दे, तेरे को 5 मुरब्बे ज़मीन है, मैंने 2 मरले दे दे, मैं उन्हें गंडा सब्जी गाड़ लवांगा, चलो मोल नहीं लैनी पैगी। तो आंदा सारी ज़मीन तेरी है। वो फिर गरीब चला जाता कि मैंने मजाक है, इन्हें देनी दूनी कोई नहीं, 2 मरले तो तू हाँ नहीं की, तो सारी तू किदू दे। वो यहूदी दिल के अंदर ख्याल कर दे, आदा शायद मैनू नबी ने टालिया है, शायद मजाक होया है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ पहाड़ा के दरम्यान के अंदर जिन्निया बकरिया ने और सारिया इनू दे दो। ओ सच्ची मुच्ची दे पगइयों, ओ सच्ची मुच्ची दे पगइयों, नाड़ा अपने एक सोटी पगड़ा छड़ी जा ले जा, कोई शरत नहीं। सियाबा कहन लगे इनिया दे छड़िया जे अखे मैं इनू नहीं वेख्या, मैं इनके मुँह चू अपने रब का नाम वेख्या है। मैं कदरुल्लाह हक्का कदरी की जिसने यतीम नू वज़ोहा वाला बनाया, जिसने यतीम नू नबियां दा सिरदार बनाया, जिसने यतीम नू वाली कौसर बनाया, जिसने यतीम नू ओ जिंदगी दे अंदर जन्नत दी सत्ता समाना दी सैर करवाई, जिसने यतीम नू इन्नी शान दिती है। मेरा नबी चले ते कुरान बने, मेरा नबी उठे ते कुरान बने, मेरा नबी समे ते कुरान बने, मेरा नबी पीवे ते कुरान बने, मेरा नबी चले ते कुरान बने, मेरा नबी मदीने जावे कुरान बने, मदीने आवे कुरान बने, अर्शद जावे कुरान बने, वापस आवे तो कुरान बने। हाय हाय जुल्फा खोले तो कुरान बने, मुँह चु बोले तो कुरान बने, मूसा नबी जदो बैतुल मकदस गया अल्लाह दाए फखला ना लई जुत्ती ला दे जगह पाक है। जदों मेरे नबी अरशे मुअल्ला ते गए जुतियां दसने रातों रात आ जाओ चुप करके, वो भी तो पाक है, जुत्ती नहीं उतरवाई। ये शान है मेरे मुहम्मद सल्लम। फरमाया जिस रब ने यतीम नू शाना दे छड़िया, मैं रब दे नां दी कदर करना। यहूदी नू नहीं वेख्या, इंदे मुँह चू निकलिया रब दा नां वेख्या। ओ भी ना जदों दो एक कदम टुरिया ना सुभान अल्लाह पढ़िया जे, ओ उच्ची पढ़िया जे सुभान अल्लाह। ओ दो एक कदम टुरिया नबी दा उसवा वेख्या, नबी दी सखावत वेखी। ये आयत सुनना भी आसान है, ये आयत पढ़ना भी आसान है, पर इस आयत चलना बड़ा औखा है। हाय हाय कमाल गल है, प्यारे नबी ने जदों आप बड़ा उसवासना विखा छड़े है, दो कदम टुरे है, तीसरा कदम नहीं टुर सकया, खड़ा हो गया है। ओ सुभान अल्लाह जमी जरा, मेरे नबी दा मुरीद बन गया है, कलमा पढ़ गए। नाल कहंदा ओ मेरी कौम या कौम, ओ मेरी कौम दे लोगो मुहम्मद दे कदम ही लग जाओ। ओ इतना देंदा है अल्लाह दे नां ते कि ओ गुरबत तो डरदा ही नहीं, कोई शे बचे या ना बचे सारा कुछ दे देंदा है। मेरे नबी ने पांच बकरियां भी नहीं रखिया, सारिया दे छड़िया, थानू भी कोई रब का ना पाए। कम अज कम अपनी जेब वाली तो सारी जेब वल वेली कर छड़ी कर कि मैनू नबी दा अल्लाह दा नाम आया है, मैं उस नबी दा कलमा पढ़िया है, जो नबी करेगा मैं उवें करना चाहना। मेरे वास्ते नबी नमूना है, कदी एडा वड्डा सखी बन जावे आ ते रब तैनू उतना ही ज्यादा मालदार बना देवे। उस्मान गनी ने ना हजरत सिद्दीक अकबर दा मुंह थोड़ा जा मुरझाया होया देखा, फरमाया है सिद्दीक परेशान परेशान है। उन्होंने दिल च गल आ गई कि पता नहीं की मामला है, बादशाह भी है सिद्दीक साडा, परेशान क्यों है? और नबी पा सिद्दीक चुप चुप रहे, परेशान बड़ा। उस्मान आंदा सोने हो क्यों परेशान हो? कहंदन के गरीबां दे चुल्हे ठंडे हो गए, अज 5 दिन गुजर गए ते मैं बादशाह, मैनू डर आ रहा क्योंकि मेरे कोल ते इतना पैसा कोई नहीं कि मैं दे के उन्हां दे चुल्हे बाल सकां। हजरत उस्मान बोलिया, उस्मान आदे ओ मेरे सिद्दीक प्यारे, तैनू पता नहीं कि मैं उस्मान नबी दे कहण ते जो इतनियां सखावतां करना, तू मैनू क्यों नहीं आख्या कहने लगे कि मेरी जबान ने हिम्मत ही नहीं की कि मैं सिद्दीक हाँ ओ नबियान, शायद मैनू मिलेगा तामन के नहीं मिलेगा। प्यारे उस्मान गनी कहने लगे मेरा काफिला 900 उठ आ रहा, 900 उठ लदया होया खल्ले दा आए, वो सारे दा सारा ही मैं सिद्दीक तेरी परेशानी ते कुर्बान करना। मदीने दे विच जदों उठ आए तो मदीना ओ इस तरह जिमें जलजला आ जाता है। मियाँ शाह फरमादियाँ ने यह जलजला आ गया की होया, फरमाया उस्मान गनी दे लदे हुए उठ आ गए। वो जदों बाहर जदों आके उठ उन्होंने डक ले, फरमाया ऐलान कर दो गरीबो सारे आ जाओ। वो सारा गला भी दे छड़िया, पैसे भी दे छड़े, ते जड़े उठान उठ भी वेच के ते वह भी पैसे गरीबा नू दे छड़े, ते कहन लगे जड़ियाँ रस्सियाँ ते नकेलां ने यह भी वेच के ते गरीबा नू दे दिओ। मैनू ईमान ना दसो किसी मौलवी कोल सुनिया ने कि उस्मान उस तो बाद उठया ही नहीं, गरीब हो गया होएगा। अल्लाह दी कसम उस्मान अगे नालों भी अमीर होया है। मेरा नबी कम करे, मेरा रब ते उंदे बरकत ना करे। अल्लाह भी कसम चाहिए, मेरे नबी ने भी कसम चाहिए। जदों तुसीं अल्लाह ताला दे राह रब के लिए माल दोगे तो मैनू रब नू भी कसम, मैं भी कसम देना तेरा माल वधेगा घटेगा नहीं। इबलीस आंदा घटेगा, रब आंदा वधेगा। मननी किंदी चाहिदी है? ओए जदे बन जा जिवें दा मेरा नबी है। प्यारे नबी ने यहूदी नू सारिया बकरियां दछणियां, नबी गरीब नहीं होया। तुसी आखो वे की दलील है? सुभान अल्लाह पढ़ दलील। जदों मेरे नबी ने हज किया, हज किया मेरे नबी ने, हकल्ले नबी दी जात ने 100 ऊंट कुर्बान किया है। क्यों दानिश है? 100 ऊंट अगर आज कीमत ना होगा, एक ऊंट 10 लाख का भी हो गए, कितने गल गई। 100 ऊंट मेरे नबी ने एक दिन ही कुर्बान किया है। जे मेरे नबी ने बकरियां दितियां ने रब वास्ते, रब ने सौठा दा मालिक बना छड़े। सिद्दीक ने सारा घर वेला किया है। तुहानू वाकई याद जदों नबी ने आख्या सी देओ खां कौन देंदा कुछ? सिद्दीक आंदा वड्डा समान मैं बाहर कढना, छोटियां चीज़ां तू बाहर कढ, सारिया चीज़ां दीवारां दे विच हथ मार छड़े। मेरे नबी ने फरमाया की लेके आया है? फरमाया सारा कुछ आ गया है, घर च अल्लाह ते अल्लाह दे नबी दा प्यार छड़ के आ गया वा। किसी मौलवी ने तकरीर की है कि सिद्दीक कंगला हो गया सी, गरीब हो गया सी, फकीर हो गया सी, अगे नालों भी ज्यादा अमीर हो गया है। प्यारे अली रजी अल्लाह तआला नो मैं किंदी किंदी मिसाल देवा। इत्थे एक नबी उसवा नहीं तो सियाबा सारे नबी पाक तरह उसवा असना बने खलन, क्योंकि वो ताई तो जनती बने आन उन्हें वो काम किया। एक फकीर आया, अम्मी फातिमा घर च है, हसन हुसैन घर च है, ते दरवाजा खड़काया। अल्लाह के लिए एक दिरम दे दो, एक दिरम अल्लाह वास्ते। ते अम्मा दिए जाओ हसन ए हुसैन अपने अबू अली नू कहो। एक दिरम मंगदा पे गरीब, ते मेरे कोल ते 6 दिरम पैण, मैं एक देवा के 6 देवा? नाल कहन लगियां अगर अज मेरा बाप मुहम्मद होंदे ओ ना 6 ही 6 दे छड़ने। अम्मी फातिमा ने जो ये गल सुनाई ना, प्यारे अली कहने लगे सारे दे दियो, अल्लाह सानू तना छोड़ेगा नहीं। ओ लोगो 6 दिरम दिते पूरे उन्हें मंगया एक छे बैन सारे दे छड़े। ए अम्मी फातिमा दी सखावत है तो सोने अली दी। अजे घंटा भी गुजरिया नहीं तो 60 दिरम प्यारे अली ने अपनी बीवी नूं दे भी दिते। यार ये लंबा वाक्य है फिर करी लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही हसना। एक मंगता आया कहने लगा मार दो ठेड़ और लाद दे नाना दा ओ यानी ना बदतमीजी करन लग पिया और जिवें बंदा ना और औरा बोलन लग पिया। वो जेड़ा बैतुल माल दा माल है वो थोड़ा है वो थोड़े बाप दा है। मेरे नबी आखे प्यारे मैं तेनू कदों आखे मेरे बाप दा तेनू की चाहिदा। उन्हें आखे अल्लाह मैं आख्या ते अजे मौका ही नहीं देन दिया भाई तू मंगया है पहले 2 मिनट उड़ीक तो सही कि नबी तेनू दिंदा कि नहीं दिंदा। कहंदा मैं यहूदी हां मेरे बाहर तो उठ बैठ उन्हां नू लाद दिया। ए माल तेरा नहीं ए तेरे बाप दा नहीं। नाल गाले च पा ली चादर जोर दे मरोने ना पे नबी पाक दे अखां दे अनसू भी आ गए ते डेले बाहर आ गए। आपने जोर दे खिंचिया ते नबी पाक दी गर्दन ते ना लकीर बन गई। प्यारे नबी ने फरमाया मेरा दिल तेज करता है मैं तेरे गाले च सावा पावा। फिर जोर दी मरोड़ा तेनू समझ आएगी तकलीफ किवें दित्ती दी है। ओह आंदा मैनू उम्मीद है कि मेरा नबी अज मैनू करवेगा भी नहीं ते मैं लैके भी उठ जाने। आपने बदला भी ना लिया ते उठ भी दो भर दिता समान दे ए जे उसवा हसना मेरे नबी दा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तो दुआ है कि जो तुसी सुने मैं सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक बख्शे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।